नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मानसिक में फिर से एक और बार। तो आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आप लोग मई इंटेक जैसे आ रहा है, तो हम सबसे पहले जैसे ही लोगों के अंदर दिमाग में सबसे पहली चीज आती है वहां जाके जॉब क्या करेंगे, तो आज हम बताने वाले सबसे पहले टॉप 5 जॉब्स के बारे में। जी हाँ गाइस, टॉप 5 जॉब्स के बारे में हम आपको बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ मानसिक में, स्वागत है आपका। तो गाइस, सबसे पहली जॉब जो है जो सबसे बेस्ट रहती है हर इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, वो है ऑन कैंपस जॉब। ऑन कैंपस जॉब के बारे में कौन बताएगा? ये दोनों करके हट चुके हैं, अभी ये वॉलमार्ट लगे और अभी तो आप सबको पता ही है, इसने चीख चीख के सबको बता दिया कि आईसीआईसी बैंक में लगा। ऑपरेशन क्या लगा हुआ? कुछ नहीं भाई, ऑपरेशन हेड, ऑपरेशन रिस्क एनालिस्ट। ओके, तो अभी फिलहाल ऑन कैंपस जॉब मैं कर रहा हूँ पिज्जा पिज्जा में, यॉर्क यूनिवर्सिटी में। तो उसका एक्सपीरियंस मेरा तो अच्छा ही जाता है, क्योंकि मेरी क्लासेस जो हैं वो 6:45 to 9:45 है और पूरा दिन मैं अपना ऑन कैंपस जॉब दे सकता हूँ। लकीली मेरे को आवर्स मिल जाते हैं 30 आवर्स के करीब, बट क्योंकि अब ले ऑफ आ रहा है तो मुझे अपनी सेकेंड जॉब कहीं और देखनी पड़ेगी। लेकिन ऑन कैंपस जॉब मैं बोलूँगा सबसे बेस्ट रहती है, क्योंकि आप कॉलेज के अंदर ही काम करते हो और आपको अच्छी खासी डाइवर्सिटी मिल जाती है और आप अपनी साथ में पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। सेकेंड पॉइंट, एक और पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इन केस अगर आप चाहते हो कि आपको दो दो शिफ्टें करनी है, कहीं और भी जॉब करनी है, तो आप ऑन कैंपस जॉब के साथ कहीं और भी कर सकते हो, 20 आवर्स कर सकते हो, 20 आवर्स कैंपस अनलिमिटेड, और 20 आवर्स आप बाहर भी कर सकते हो, बाहर भी कर सकते हो। ये फिलहाल हमारे लिए तो इतना कुछ वो नहीं, क्योंकि अभी तो 7 अक्टूबर से पहले जिसने भी फाइल लॉन्च करी थी तो वो तो सब अनलिमिटेड काम कर सकते हैं। गाइस, एक चीज कुछ मैं बताना भूल गए जो मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे फील्ड की है मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ऑन कैंपस जॉब करते हैं तो यूजुअली मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, वो 13% टैक्स करता है, आप 40,000 से कमा रहे हैं तो। लेकिन ऑन कैंपस जॉब एक ऐसी जॉब है जहाँ पे आपका टैक्स नहीं कटता, वहाँ पे आपका सिर्फ EI कटेगा और CPP कटेगा। इसमें ऑन कैंपस जॉब के अंदर आप स्टूडेंट के अंदर आते हैं, आपको यूनियन जो होती है आपके कॉलेज की वो आपको प्रोटेक्ट करती है कनाडा के टैक्सेशन सिस्टम से, तो वहाँ पे आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता। हाँ, तो गाइज इसमें ये चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो ऑन कैंपस का बस एक ही प्रॉब्लम होता है, आपको आर्ट्स पूरे मिल जाते हैं, लाइक आपको अबाउट 20 मिल ही जाते हैं, लेकिन इसमें एक ऑफ का मतलब एक ले ऑफ का चक्कर रहता है। ले ऑफ का मतलब ये है कि जब कॉलेज में बच्चे नहीं आ रहे होते, यानी कि यहाँ पे वैकेशन चल रहा होता है, तो उस टाइम ऑब्वियसली कस्टमर्स नहीं है, बच्चे नहीं है, इसका मतलब वो आपके घंटे काट देंगे, आपको ले ऑफ कर देंगे, मतलब थोड़े टाइम के लिए आपको टेम्परेरीली जॉब से निकाल देंगे जब तक अगला सेमेस्टर शुरू नहीं हो जाता। तो इसका मतलब तब तक के लिए आपके पीरियड के अंदर उस टाइम पे आपके पास जॉब नहीं होगी, बस ये एक प्रॉब्लम रहती है, अदरवाइज जब भी क्लासेस चल रही है आपके पास इनफ आवर्स होंगे। गाइस, एक चीज कुश और भैया दोनों मिस कर गए, तो इसे मैं बताता हूँ, मैं बैठा हूँ ना आपके लिए, वैसे फिर से आपके लिए बैठा हूँ, जो चीजें मिस कर रहे हैं उनको बताने के लिए बैठा हूँ, खड़ा हो जाऊं उनके लिए। तो नहीं, हाँ, तो एक चीज भैया कुछ बताना भूल गए, वो ये है कि अगर आपका ले ओवर आता है, जैसे कुछ को ले ओवर मिलेगा 15th of April to 15th of August तक का, तो इस ले ओवर के 4 महीने के पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कुछ अब एक परमानेंट एम्प्लॉय बन चुका है यूनियन का, तो इसे सैलरी मिलती रहेगी, बट इसे पूरी सैलरी ना मिलकर के एक पार्ट ऑफ सैलरी मिलेगा। लाइक अगर अभी ये $2,000 कमा रहा है तो इसे $700-800 मिलते रहेंगे, क्योंकि ये परमानेंट मेंबर है यूनियन का, तो उन लोगों को भी इसकी फिक्र है कि अपना घर कहाँ चलाएगा। लेकिन मिलते हैं, लेकिन गाइस इसकी एक कंडीशन है, इसकी एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। कंडीशन ये है कि उस पीरियड में 4 महीने में अगर कुछ कहीं और काम नहीं कर रहा सिन पे, तो ही इसको पैसे मिलेंगे। अगर आई सिन पे कहीं और काम कर रहा है तो इसको पैसे नहीं मिलेंगे, तो इसका ऐसी ऑप्शन है, कैश पे काम कर सकता है, वहां से भी पैसे ले सकता है। तो यहाँ इस चीज को अकल में रखो और करते रहो। तो अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि काफी बच्चे प्रेफर करते हैं कॉलेजेस में जाना इंस्टेड ऑफ यूनिवर्सिटी, तो वहां पर ऑन कैंपस जॉब्स जो होती है वो कंपैरेटिवली काफी कम होती है। तो मैं लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप आ रहे हो यहाँ पर तो ट्राई करो कि यूनिवर्सिटीज में आओ, क्योंकि वहां पर आपको डाइवर्सिटी मिलेगी, प्लस बड़ा कैंपस मिलेगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज कंपैरेटिवली कॉलेजेस से ज्यादा मिलेगी। हाँ, टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉय इंश्योरेंस जो इसने अभी मेंशन करा था, एम्प्लॉय इंश्योरेंस EI कहते हैं यहाँ पे, ये काइंड ऑफ एक गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है जहाँ पे अगर आप सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अगर आपके पास जॉब नहीं है तो गवर्नमेंट आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियड में थोड़े थोड़े पैसे करके देती रहेगी हर महीने खर्चों के लिए, ये एम्प्लॉय इंश्योरेंस के नाम से कहा जाता है। और ये ऑन कैंपस हर कोई कर सकता है यहाँ पे आके, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो बिल्कुल छोड़ना मत, क्योंकि अब जो भी आ रहे हैं उनके पास 20 आवर्स का लिमिट है, हमारे पास तो लकीली 40 आवर्स का था, इसलिए हम बाहर काम कर सकते हैं। नहीं, जब हम इनिशियली आते हैं 20 आवर्स की लिमिट थी, सितंबर नवंबर दिसंबर के बाद जो हमने सेकंड कोर्स स्टार्ट किया उसमें 40 आवर्स की लिमिट है, और बेनिफिट ये है कि इसके बाद हम सीधा वर्क परमिट पे आ रहे हैं तो अगेन कितना भी काम कर सकते हैं।
तो हाँ, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर अगर आपका रहेगा तो ऑन कैंपस जॉब जितनी भी हो, हाथ पैर पड़ेगी किसी से भी ले लेना, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा। बाकी तो, जो यॉर्क के स्टूडेंट्स हैं तो वो आप लोग मुझे या भैया को कुछ को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि भैया और मैंने भी 4 महीने ऑन कैंपस काम किया, कुछ कर रहे हैं, तो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं यूनिवर्सिटी में। जो एच आर है वो भी अपनी फ्रेंड ही है, तो यस वी कैन रेफर यू गाइस, सो हम सिर्फ पूछ सकते हैं अपने एंड से, क्योंकि हमारे थोड़ी अच्छी रिलेशंस हैं, तो हम पूछ सकते हैं अगर अवेलेबिलिटी है कि नहीं, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सबको मिल सकती है। बस बाकी तरीका है कि अपना ना छोटा भाई बन के, वहाँ भी दीदी काम करती है, दीदी का भाई होता छोटा भाई हूँ। तो गाइस ये हो गया ऑन कैंपस के बारे में। सो सेकंड सबसे बेस्ट जॉब जो है सिक्योरिटी लाइसेंस की है, क्योंकि एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट हर किसी के पास असाइनमेंट्स होंगे, पढ़ाई का टाइम बिल्कुल कम मिलता है और थकान भी बहुत होती है बाहर के जॉब्स करने के लिए। तो सबसे बेस्ट रहेगा सिक्योरिटी जॉब, इसकी इन्फॉर्मेशन ये देगा क्योंकि ये भी करके बैठा है। तो गाइस सिक्योरिटी में ऐसा नहीं है कि जैसे इंडिया में सिक्योरिटी गार्ड होते हैं बाहर खड़े रहने बंदूक लेके, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ ऐसा है, अगर एक बिल्डिंग है तो उसमें बिल्डिंग में रिसेप्शन है, आपको सिर्फ उसकी रिसेप्शन पे जाकर चेयर पे बैठना है, अपना लैपटॉप फोन कुछ भी लेके जाओ, नेटफ्लिक्स देखो, असाइनमेंट्स बनाओ, कुछ भी करो अपना, पढ़ सकते हो आप उधर। सबसे चिल जॉब मान जाते हैं सिक्योरिटी की, क्योंकि आपको खड़ा भी नहीं होना, आपको सिर्फ बैठा रहना उधर। बट सिक्योरिटी के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, लाइसेंस बनने में 1 महीने का टाइम लगता है, पहले आपको एक ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है, इसमें CBR वगैरह आपको सबकी ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करने का TCN नंबर मिलता है, ट्रेनिंग कंप्लीशन नंबर, फिर आप उस नंबर के थ्रू अपना एग्जाम बुक कराते हैं, अपना लाइसेंस अप्लाई करते हैं एग्जाम क्लियर होने का। तो इसमें खर्चा भी है अच्छा खासा, अप्रॉक्सीमेटली $350 आप लोगों के लग जाएंगे इस लाइसेंस के अंदर, लेकिन 2 से 3 शिफ्टों में आप निकाल लो। हाँ, क्योंकि इसमें पीरियड अच्छा होता है, अराउंड 16 to 17-18 से स्टार्टिंग ही होती है। और गाइस आप लोग अब आ रहे हो मेन टेक वालों, एक गुड न्यूज है तुम्हें देने के लिए, दे दूं। तो पहले जो है ऑन्टेरियो में मिनिमम पे रेट था 15.50, अब उसे बढ़ा करके कर दिया इन्होंने 16.67 पर आवर। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ मिले ना मिले इतना तो मिलेगा इफेक्टिंग फ्रॉम 1st of April 2023। तो अगर आपका मिनिमम पे रेट 16.67 है तो सिक्योरिटी की जॉब में ऑब्वियसली $1 एक्स्ट्रा होता है, तो आपको $18 अराउंड पेमेंट आराम से मिल जाएगी। प्लस एक चीज़ और होती है, यहाँ पे सिक्योरिटी की प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट एंड अ कोट, तो आपकी उसकी भी सैलरी ये लोग काटते हैं, आपके हर पेचेक से $25 to $30 कटते हैं, इनका एक अमाउंट है $300 का, तो जब तक वो पूरे नहीं होते तब आपके पेचेक से $25 भी कट के आते रहेंगे। वो हर जगह ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ जगह होता है यहाँ पे यूनिफॉर्म की यूनिफॉर्म हर जगह होती है, यूनिफॉर्म हर जगह होती है। और लेकिन इसमें इस जॉब में एक ही डीमेरिट है कि आपकी इसमें कभी कभी लंबी शिफ्टें भी होती हैं, जहाँ पे 12 घंटे की शिफ्ट होती है, 12 घंटे की शिफ्टें भी होती है, जहाँ पे आपको जागना पड़ सकता है। शायद कुछ लोगों के लिए वो मुश्किल हो, लेकिन जिनको पैसे कमाने हैं, जिनके पास इनफ टाइम है, वो जिनको नींद कमाती है मेरी तरह, और जैसे भी वैसे भी इस काम में इतनी थकावट है नहीं, बाकी काम में जहाँ भी आप काम कर लो आपकी बॉडी बहुत स्ट्रेसफुली काम करेगा, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मेंटली भी आपका स्ट्रेसफुल होगा। वेयर हाउस में काम करोगे यार, वहाँ पे भी हैवी वेट लिफ्टिंग करनी पड़ेगी, कहीं भी स्टोर में करोगे वहाँ पे भी, ये सब बहुत बुरे हाल है। तो ट्राई करना कि सिक्योरिटी नहीं तो ऑन कैंपस, नहीं तो कुछ एक सर्टिफिकेट या कुछ एक लाइसेंस होते हैं यहाँ पे वो बनवा लो। तो गाइस सिक्योरिटी में और एक अच्छा बेनिफिट क्या है, अगर आपके पास जी लाइसेंस है, हाँ कैनेडा में लाइसेंस के 3 लेवल होते हैं, एक होता है G1, फिर आता है G2 और आता है फिर सीधा जी लाइसेंस। अगर आपके पास जी लाइसेंस है तो आपको सिक्योरिटी की कंपनी गाड़ी देती है अपने पास से, आपको सिर्फ उसमें कुछ नहीं करना, आपकी जो साइट है उस पर सिर्फ पेट्रोलिंग करनी है, और आपको कहीं बैठना नहीं, कहीं कुछ नहीं करना, जो ड्यूटी का टाइम है अपनी कार में ही स्पेंड करना है, आप कहीं भी जाओ उससे उनको फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ आपको हर 1 घंटे में उनके आसपास एक पेट्रोलिंग का चक्कर लगाना पड़ता है। गाड़ी कंपनी देती है, पेट्रोल भी कंपनी डलवाती है। तो गाइस इससे बढ़िया तो चलो गरीब आदमी, कोई लड़की उड़की है नहीं, खैर आपके पास है तो उसे घुमा भी ले के नायगरा निकल सकता है, नायगरा तक सिक्योरिटी करते हैं। तो इस ये सब हो गई अच्छी बात सिक्योरिटी की, लेकिन इसमें बहुत डाउन साइड भी है। इस सिक्योरिटी जॉब में होता है रिस्क का फैक्टर बहुत ज्यादा, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे आपको ऐसी जगह अलोकेट कर सकते हैं जहाँ पे होमलेस रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि काफी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको होमलेस ने अटैक करा है, जब वो इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के लाइक सिक्योरिटी का काम कर रहे होते हैं वहाँ पे, तो होमलेस को ये लोग थोड़े ऑफेंसिव लगते होंगे, पता नहीं किया है, लेकिन उन पर अटैक हो चुका है, और मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जिन पर अटैक हुआ है होमलेस की जगह पे। ये काफी रिस्की काम भी है, लेकिन आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप ऐसी जगह पे असाइन कर रहे हो, तो ऐसे आप मना कर सकते हो कि हाँ मैं नहीं कर सकता, कंफर्टेबल नहीं हूँ। लेकिन अगर आपको कहीं अपार्टमेंट के नीचे मिल जाता है, या फिर कभी कभी काफी इवेंट्स होते हैं, जैसे हम अभी गए थे वहाँ पे CNE के इवेंट पे गए थे, हाँ वहाँ पे आपको सिर्फ खड़े रहना है, कुछ नहीं करना, एंजॉय करो, लोग देखना है। गाइस मैं अभी एक WWE का रोड टू रेसलमेनिया का मैच देखने आया था,
मैंने इतनी महंगी टिकट खरीद ली, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी जो करने वाले वो अंदर बैठे यार आराम से रिंग के साइड में खड़े होके, वहाँ पे अगर मैं धक्का मुक्की करके रोमन से ऐसे हाथ में ला गया, लेकिन वो लोग ऐसे ही वहीं खड़े हुए थे। इनफैक्ट मैंने ये भी देखा है कि आजकल सिर्फ सिक्योरिटी का काम करके भी काफी लोगों ने पी आर ले लिया है, तो इसमें अगर आप शेड्यूलर सुपरवाइजर बन जाते हैं ना, सुपरवाइजर लेवल होता है लाइक जो आप सिक्योरिटी गार्ड हो और शेड्यूल बनाने वाले जो होते हैं ना, तो वो नॉक भी हो जाता है, तो उस पर वो PR ले लेते हैं। ऐसे क्या है, काफी एजेंसीज हैं जो आपको इसमें हेल्प करती हैं। तो बेस्ट सिक्योरिटी लाइसेंस के लिए कंपनीज हैं, मैं उनका नाम बताऊँ, गार्डा वर्ल्ड है, उसे गार्ड वन है, पैरामाउंट है, ये तीन टॉप कंपनीज मैंने आपको नाम बता दिए, इनके थ्रू अगर आप लाइसेंस लेते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए बेनिफिशियल है। हाँ, तो जब भी आप आओगे, अगर आपको सिंपल सी लाइफ जीनी है यहाँ पे आगे, आपको ज़्यादा सिर्फ नीचे है ऐसे ऐसे काम करके, तो आप $350 अपने हटा के लेके आना इस पर खर्च करने के लिए आपका सिक्योरिटी लाइसेंस के ऊपर। अब बात करते हैं अगली जॉब के ऊपर, जो है फॉक लिफ्ट का लाइसेंस, जो कि बहुत अच्छी जॉब है। गाइस, इसके बारे में हम तीनों के पास हमारे पास लाइसेंस नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बताऊंगा, मैंने स्टार्टिंग में एक वेयर हाउस में काम किया था, तो वहाँ पे मुझे एक पर्सन मिला था, तो उससे मेरी थोड़ी बात हुई थी। तो एक तो फॉर्कलिफ्ट का काम आपको पता ही होगा, होता क्या नहीं होता मैं बता देता हूँ आपको। एक क्रेन जैसी मशीन दी जाती है, तो जो भारी भारी बिल्कुल स्किड्स होती है ना, उनको उठा के इधर से उधर रखना होता है, ये फॉर्कलिफ्ट का काम होता है। आपको कुछ नहीं मशीन से करना होता है, प्लस उसका सर्टिफिकेट उसका लाइसेंस बनवाने के लिए आपका जो एक्सपेंस है अराउंड $200 आता है। उसमें पे रेट भी अच्छा, तो अगेन आप दो शिफ्टों में कवर कर सकते हैं। वेयर हाउसेस की शिफ्ट जो है वो 12-12 घंटे की होती है, 11 घंटे की, तो उसमें दो शिफ्टों में इसका पैसा कवर कर सकते हो। प्लस इसका एग्जाम भी इतना हार्ड नहीं होता है, सिक्योरिटी का थोड़ा सा हार्ड होता है, अराउंड 2 days में आपका ट्रेनिंग और ट्रेनिंग वगैरह, और टाइम भी बहुत कम है, 3-4 दिन आपका फॉर्कलिफ्ट का लाइसेंस बन के आता है। प्लस इसमें पे रेट भी अच्छा है, इसमें $19 to $20 पर आवर का पे रेट है। बिल्कुल, और ये वेयर हाउसेस में बहुत डिमांड में रहती है ऐसी जॉब, और मैंने देखा यहाँ पे काफी फ्लायर्स लगे हुए थे कि जहाँ पे फॉर्कलिफ्ट की लाइसेंस। अगले बात करते हैं अगले जॉब के बारे में, जो है फूड डिलीवरी, उसे भैया ने की है बताओ। तो मैंने यहाँ पे आने के बाद ऊबर में साइन अप करा था, ऊबर ड्राइवर में साइन अप करा था, और उसके बाद मैंने ऊबर वॉकिंग ट्राई नहीं किया, लेकिन ऊबर साइकिल करके मैंने ट्राई किया था। तो मैंने उसके अंदर देखा था एक बार करके, लाइक इतना ईजी नहीं होता, काफी डिफिकल्टी होती है। साइकिल भी पड़ी आपने फर्स्ट वीडियो के अंदर, मैंने बस ट्राई करने के लिए कि कैसे होता है इसके अंदर प्रोसीजर, ये देखने के लिए कि कैसा होता है। तो मैंने ये देखा है कि यहाँ पे अगर आपके पास गाड़ी है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग करते हैं फूड डिलीवरी का काम, या तो वो हो गया उबर के अंदर, या फिर DoorDash, इन सब में आप साइन अप कर सकते हो, कि ये पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे वो उसी ऐप के अंदर दिखा देता है कि सबसे ज्यादा अभी सर्च कहाँ चल रहे हैं, यानी कि सबसे ज्यादा डिमांड कहाँ पे हो रही है, आप वहाँ गाड़ी लेके पहुंच जाओ, आपके बैक टू बैक ऑर्डर्स आते रहेंगे पर डॉलर आपके 3 या 4। मेरे एक फ्रेंड ने प्रशांत दिया, उनके साथ में एक दिन ऐसी गाड़ी में बैठे थे टाइम पास करने के लिए, वो करते हैं तो उनके साथ बैठ गया था, तो एक ऑर्डर डिलीवर करने पे आपको $3 या $4 अमाउंट मिलता है डिलीवरी का। प्लस अगर आपको कुछ उन्होंने टिप दी है तो टिप मिल जाती है, टिप अच्छी होती है, लाइक $4-5 की टिप होती है, तो पर लाइक ऑन अराउंड आपको $10 के अराउंड एक ऑर्डर पे मिल जाते हैं, दिन के 10 ऑर्डर भी करें, देने वाले टिप $15-20। हाँ, देने वाले देते हैं, देने वाले जब भी देते हैं देने से प्रभावित है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था, इस वीडियो के अंदर भी ये कहूंगा, इंडियन टिप नहीं देते, हम मंगाते हैं हम भी देते हैं, हम नहीं हम देते हैं यार, 50 सेंट 10 सेंट दे देते हैं, मार्कम है, मिसिसागा है, तो यहाँ पे अंग्रेज लोग काफी ज्यादा रहते हैं, टोरंटो है, डाउनटाउन है, यहाँ पे अंग्रेज काफी अच्छे क्वांटिटी में अच्छे खासे हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं काम, तो जहाँ पे ज्यादा अंग्रेज होंगे वहाँ पे ज्यादा टिप्स होंगी, और इनफ आपका फूड डिलीवरी के अंदर $40-50 घंटे के बने जाते हैं। अगेन ब्रैम्पटन में मत करना, सारे देसी हैं। नहीं कर देते हैं, वहाँ भी हो जाता है। टिप नहीं मिलेगी ना। दूसरा जो सबसे अच्छा जो हमारे रिसर्च से पता चला है वो है कि कोरियर जॉब्स के बारे में, जो कोरियर पहुंचा देगा घर, जैसे अमेज़न हो गया, अमेज़न UPS की डिलीवरीज होती है, ये सब क्या करते हैं कि एक एक घरों में जाके अपार्टमेंट में आपको चढ़ के जाके ट्रॉली के अंदर धक्का मार के ले जाना होता है, ऐसे नहीं कि कंधे में लेके जाना है, ट्रॉली में धक्का मार के आपको सामान ले जाना है, हर डोर के बाहर रख के जाना है यहाँ पे बस, और फोटो क्लिक करके जानी होती है, और इसके अंदर सबसे अच्छा पे रेट ये है कि आपका पर डे मिलते हैं, पर डे के हिसाब से 170 से $180 मिल जाते हैं। मेरे एक फ्रेंड है साहिल भैया, वो ये काम कर रहे हैं, तो उनको गाड़ी भी अमेज़न की तरफ से मिली है, पेट्रोल का खर्चा भी अमेज़न से मिला हुआ है, तो बट ये कि काम थोड़ा सा हेक्टिक होता है इनको, लाइसेंस चाहिए, तो उनको बस ये कि पर डे 200 से 250 पार्सल डिलीवर करने होते हैं, बट हाँ उनको पे रेट एक दिन के गाय $180 $10,000 पर दिन के क्या मारे हैं यार।
मैंने सुना है कि सिक्योरिटी का लाइसेंस बनाते हो, फोर्कलिफ्ट का बनाते हो, आपको फिर जॉब ढूंढनी पड़ती है, लेकिन ये ड्राइवर के लाइसेंस में आपको मतलब बहुत सारी जॉब बहुत इजीली मिल जाती है। आपको यहाँ पे पिज्जा हट है, डोमिनोज है, पिज्जा पिज्जा है, ये सब आपको अपनी डिलीवरी में रख लेते हैं कि आप हमारा पिज्जा डिलीवर कर रहे हैं। हां ये भी है, तो अभी ये सब भी बेनिफिशियल है। अगर यहाँ पे आने के बाद जी लाइसेंस आप ले लेते हो और आप खुद की गाड़ी भी खड़ी कर देते हो ना, आपकी गाड़ी खुद का खर्चा खुद निकाल लेगी, क्योंकि इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है, फूड डिलीवरी, इंस्टाकार्ट, यहाँ पे ऐसा है कि ग्रोसरीज घर पे मंगाने के लिए भी गाड़ी यूज करते हैं लोग अपनी पुरानी, और ऊबर ड्राइवर कर सकते हो, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज काफी है गाड़ी का लाइसेंस ले लोगे तो। इसके बाद लास्ट फिफ्थ जॉब आती है, वो एक बार्टेंडर की जॉब आती है। बार्टेंडर के अंदर गाइस हम तीनों में से किसी ने काम नहीं किया, बट हाँ हमें एक आइडिया, अगेन मेरा एक फ्रेंड काम करता है बार्टेंडिंग का या फिर सर्वर का, तो इतना मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दूंगा कि इसके लिए भी अगर आप बार्टेंडर हैं तो आपको अल्कोहल सर्व करने के लिए कनाडा में एक लाइसेंस चाहिए जो स्मार्ट सर्व के नाम से कहा जाता है। अगेन कैनेडियन गवर्नमेंट से इशू होता है वो, तो उसकी फीस होती है $45, और इसको लेने के लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता होता, आपको क्विज होती है ऑनलाइन, आपको कंप्लीट करनी है रजिस्टर करके, तो उसमें मुश्किल से आपके 2 घंटे लगते हैं, आपका लाइसेंस नंबर आपको मिल जाता है और एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका मेल के थ्रू लाइसेंस घर पर भी आ जाता है। तो इसके बाद आपको बार्टेंडिंग की जॉब से जो पैसे आ रहे हैं $16-17 पर आवर, वो तो मिलेंगे मिलेंगे, प्लस इसके ऊपर टिप्स मिलेंगे भाई, टिप्स इस बार में आते हैं अंग्रेज, दारू पी के पागल हो जाता है, ये ले तू, ये भी पकड़, ये भी पकड़। मेरे को तो यूं खड़े खड़े पैसे मिल गए थे एक बार, सिर्फ रास्ता पूछने के लिए मैंने उसको बताया कि यहाँ से राइट जाना है, उसने उठा के मेरे हाथ में $20 यूं पकड़ा दिए। तो ऐसे ही होता है। तो बार्टेंडिंग के टिप्स में मतलब दो भी, मतलब ऑब्वियसली जो, अरे नहीं हमने एक बार काम किया रॉजर सेंटर में, रॉजर सेंटर में तो गाइस हमने एक बार काम किया था ऐसे, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ बियर के कैन खोल के उनको ग्लास बढ़ा के देने थे, और उस काम से हम तीन लोग थे, मैं भी और एक मेरी फ्रेंड, और मैंने अकेले ने $180 टिप्स कमाए थे, टिप कमाई थी यार $150, सिर्फ टिप से पेमेंट अलग थी हमारी। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जैसे आप बार्टेंडिंग के जॉब्स करते हो कहीं पे भी, तो यूजली यहाँ पे क्या होता है टिप्स को वो पूरे टीम में डिवाइड करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आपको अगर $20 मिल गया तो पूरे आपके जेब में जाएंगे, ऐसा नहीं होता, वो आपके पूरे टीम में डिवाइड हो जाता है एंड ऑफ द वीक में। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि पूरे आपके जेब में जाएंगे, कुछ कुछ जगह होती है जैसे आपको टिप्स मिल गया तो आप हैंड गार्ड अपने जेब में रख सकते हो, कुछ कुछ जगह मोस्टली आपका क्या होता है कि पूरे टीम में डिवाइड हो जाता है, तो ऐसे भी काफी कमा सकते हो। जो टिप आप खुद रख सकते हो वो आता है रेस्टोरेंट्स के केस में, कि अगर हाँ कोई कस्टमर को आपने सर्विस दी है तो टेबल पे अगर आपको जैसे टेबल नंबर 4 असाइन है, उसके आगे कस्टमर बैठा है खाना वाना खाना, आपको टिप देखेगा तो वो हाँ वो पूरी की पूरी आपकी ही टिप है, क्योंकि आपने ही उस कस्टमर के साथ डील किया है, और टिप के पैसा हमेशा कहा जाता है एक तरीके का सर्विस जेस्चर होता है, तो आपको उसी में मिलेगा, वो आपने दिया तो आप ही को मिलेगा। अपने एजेंट से बार बार पूछो कि वो क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगा रहा है, किस कॉलेज में अप्लाई कर रहा है, ऐसे आग बंद के लिए बंद करके नहीं बैठ जाना, किसी अच्छे खासे कॉलेज में आना जो एटलीस्ट तुम्हें DLI अप्रूव्ड हो। हाँ गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है मेरे दिमाग में भाई, आपका जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी जिसमें भी आप एडमिशन लो, DLI अप्रूव्ड होनी चाहिए। अगर आपको PGWP चाहिए मतलब पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट चाहिए, तो आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है वो DLI अप्रूव्ड होना चाहिए। तो ये चीज़ अपना एजेंट से आप कन्फर्म कर लेना, राइटिंग में ले लेना, या जैसा भी आपको कन्फर्म करना है उसे कन्फर्म कर लेना कि DLI अप्रूव्ड में ही जाए। उसके अलावा जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं ये वो, तो कोई आपको वर्क परमिट नहीं देने वाला, आपका पैसा खराब है, आके पढ़ के वापस जाना है, तो जिस मर्जी में लो, लेकिन अगर कैनेडा सेटल होना तो DLI अप्रूव में ही लेना। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, अगली वीडियो में, तो ये वीडियो रात को 2 बजे बैठ के हमने किसके लिए बनाई है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गाइस, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कॉल करेगा सिर्फ आप लोग करेंगे, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए करेंगे, हमारे लिए करेंगे, और क्यों नहीं करेंगे, सिर्फ हमारे सिर्फ इतना प्यार करते हैं, आप भी हमें प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, इस वजह से आप लोगों का ऐसे सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, जय श्री राम। ये वाली लाइन ना स्लो मोड में डाल दे, इनको समझ नहीं आएगी ऑडियंस, जय श्री राम, बाय गाइस, बाय।